Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों साथ में बनाने पड़ेंगे। साथ ही इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने का एडजस्टमेंट भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमें बता दिया गया है कि अमित और सुमित साथ में पार्टनर है और इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1,50,000 की। क्वेश्चन में कहीं ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया होता है कैपिटल के साथ, इसका मतलब 100% फिक्स कैपिटल ही होगी। अगर क्वेश्चन में कहा होता है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर आपको यही मानना है कि कैपिटल फिक्स्ड है, भले ही करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो या ना दिया हो। पर अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, एब्सेंट रहता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता और ना ही करंट अकाउंट का बैलेंस देता है, तो जब तक कहा ना जाए आप कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, फिक्स्ड नहीं मानेंगे। ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन में भी और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, कहीं करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो मैं अज्यूम करूंगा कि कैपिटल क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फिर एक लाइन कही हुई है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 2,51,750 बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। इसको ये नेट प्रॉफिट कह रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार के लिए मैंने आपकी बात मान ली, नेट प्रॉफिट है। पर कहा हुआ है बिफोर कंसिडरिंग, बिफोर मतलब इनमें से कुछ भी चीज कंसिडर किए बिना कितना प्रॉफिट है, 2,51,750। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है अमित एडवांस्ड लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। अमित ने फर्म को लोन एडवांस किया है 1 लाख रुपए का, और कब एडवांस किया है, 1 अप्रैल 2019 को। तो ये तो साल का पहला दिन हो गया, पूरे साल के लिए लोन दे रखा था, मतलब अमित ने, अमित पार्टनर है, ऊपर कह रखा है अमित और सुमित पार्टनर है, अमित ने फर्म को एक लोन दिया। इस लोन पर अमित को इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, अगर डीड में कुछ मेंशन होगा तो जो डीड में रेट दे रखी होगी उस रेट पर मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। बट अगर डीड एब्सेंट हुई, तो हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में समझा था कि अगर डीड नहीं है तो फिर लोन पे इंटरेस्ट दे देना है 6% पर एनम, पूरे साल के लिए 6% का हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे कोई भी रेट मेंशन नहीं है, तो 1 लाख के लोन पर 6% के हिसाब से पूरे साल का 6,000 का जो इंटरेस्ट बनता है वो अमित को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ऊपर जो पॉइंट कह रखा था वो ये कि नेट प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट इन्होंने टर्म गलत यूज करी है, ये नेट प्रॉफिट नहीं, ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन अमित्स लोन है, क्योंकि अमित के लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि कहा है बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट है अमित के लोन का पॉइंट कंसिडर नहीं हुआ है ये 2,51,750 रुपीज का प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। तो हमें जो प्रॉफिट प्रोवाइडेड है ये बिफोर एडजस्टिंग अ चार्ज है, लोन पे जो इंटरेस्ट देना है ये चार्ज होता है, तो इसे मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं शो कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक छोटा सा वर्किंग नोट लगेगा, उसको करके हम करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन अमित्स लोन इज इक्वल टू 2,51,750, यही दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन अमित्स लोन, अमित का लोन है 1 लाख रुपीज का,
उस पे 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, बिकॉज़ डीड में कुछ भी कहा हुआ नहीं है, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट बन जाएगा 6,000 रुपीज़ का, सही है ना। तो इंटरेस्ट सप्रैक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी 2,45,750, 6,000 मैंने सप्रैक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट मेंशन कर देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट वर्किंग नोट को रेफर करके आप समझ लीजिए, नेट प्रॉफिट है 2,45,750 रुपीज़ का। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में मेंशन है सेकंड पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% का। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 2 लाख और 1.5 लाख के, ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, इस पर मैं इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा पूरे साल का 5% का, एज सिंपल इज दैट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ करना है 5% पर एनम, ड्रॉइंग्स ऑफ अमित वॉज 40,000 एंड सुमित वॉज 30,000। स्ट्रेट अप इन्होंने अमाउंट दे दिए ड्रॉइंग्स के, ये नहीं बताया कि कब करी, कैसे करी, कितनी इंस्टॉलमेंट में करी, बिगनिंग में करी, एंड में करी, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये थर्ड सिनेरियो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले वीडियो को आप वापस रिकॉल कर लीजिए, है ना। तो थर्ड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो में क्या करना है कि फॉर्मूला अप्लाई कर देना, प्रोडक्ट मेथड लगाने की जरूरत यहाँ है नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और फॉर्मूला में एवरेज पीरियड क्या ले लेंगे हम, अज्यूम कर लेंगे 6%, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है तो हमें नंबर ऑफ ड्राइंग्स इनटू अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, सीधा इस ड्राइंग पे 5% का इंटरेस्ट लगाकर 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, तो ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट में कहा हुआ है अमित वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट 2% ऑन सेल्स, अमित को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स पे, विच वॉज 15 लाख की सेल है। वाइल सुमित वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सुमित को 10% कमीशन देना है किस पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी बांटने योग्य प्रॉफिट सब डिडक्ट करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन डिडक्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दे रखा होता तो फॉर्मूला लग जाता नेट प्रॉफिट इंटू यानी डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100+ रेट। आई वुड लाइक टू रेफर मैनेजर्स कमीशन 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। आफ्टर चार्जिंग होती है तो फॉर्मूला बन जाता है रेट अपॉन 100+ रेट, बट यहाँ पे बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग अमित कमीशन, यानी अमित का कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे 10% सुमित को कमीशन लेना है। चलिए इसको हम दोबारा देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर कह रखा है कि इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कीप 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, और जो भी ये सब काटने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट बचे उसका आपको क्या करना है, 10% रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना था वो हमने प्रोवाइड कर दिया, क्यों ना अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दे, ड्रॉइंग कर दे, फिर कमीशन का एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बनाकर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट दे रखा था तो मैं वो प्रोवाइड कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं अमित एंड सुमित, दोनों की कैपिटल पे दिया जाएगा। अमित की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ की, 2 लाख पे 5%, तो अमित का इंटरेस्ट हो गया 10,000 रुपीज़ का। सुमित की कैपिटल है 1,50,000 की, 1,50,000 पे 5%, 7,500 का सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 17,500 एंड आई एम मेंशनिंग दैट इन दी आउटर कॉलम। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है,
तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों की कैपिटल पे, दोनों की ड्रॉइंग्स पे चार्ज होगा, अमित एंड सुमित। अमित ने ड्रॉइंग्स करी हैं 40,000 रुपीज की, है ना, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% का, ये क्वेश्चन में ही रेट मेंशन्ड है 5% की, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थर्ड वाला केस अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं 6/12 डायरेक्टली कर दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा होता तो एवरेज पीरियड क्या मानते हैं, 6% मानते हैं। तो 40,000 का 5%, 2,000, 2,000 का भी आधा, इधर इंटरेस्ट आया 1,000 रुपीज़ का। सिमिलरली सुमित पे भी सेम फार्मूला लग जाएगा, 30,000 × 5/100 × 6/12, तो 1,500 का आधा 750, ये दोनों के इंटरेस्ट मैं आउटर कॉलम पे मेंशन कर दूंगा, 1,750 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है जो मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मेंशन कर दिया। अब हमें कहा करना है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट। अमित वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट 2% ऑन सेल्स, अमित को कमीशन देना है जो देना है 2% ऑन सेल्स, 2 इज कमीशन, ये सेल्स का 2% देना है, और क्वेश्चन के अंदर सेल्स मेंशनड है, आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे होंगे, 15 लाख की सेल है और इस पे 2% का कमीशन देना है, तो सिंपली इनका कमीशन बन गया 15 लाख का 2%, 30,000 रुपये। अमित का कमीशन तो सीधा निकल गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, है ना, 15 लाख का 2%, 30,000 का कमीशन ए का निकल गया। अब हमें देना है सुमित को कमीशन, 2S कमीशन, और इसका कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10%, वो भी अमित का कमीशन चार्ज करने के बाद। तो एक बार प्रॉफिट निकालता हूं मैं वर्किंग नोट में, वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है सुमित को कमीशन देने के लिए एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ सुमित कमीशन, प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल कुछ ऐसे निकलेगा, 2,45,750 का हमें जो प्रॉफिट दे रखा था, इन द सेंस जो हमने निकाला नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट करने के बाद, इसमें प्लस हो जाएगा 1 अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, और इसमें से फिर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 17,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ ही सब्ट्रैक्ट कर देना है 30,000 का अमित का कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अमित के कमीशन के बाद देना है बट बिफोर सुमित कमीशन। ये एडजस्टमेंट करने से मुझे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो लेट मी कैलकुलेट दिस एंड लेट यू नो कि कितना आता है, है ना, 2,45,750 + 1,750 दैट इज 2,47,500, माइनस कर दूंगा इसमें से 17,500 और 30,000, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। अब हमें निकालना है एसेस कमीशन, और क्वेश्चन में लैंग्वेज दी हुई है बिफोर चार्जिंग वाली, आफ्टर चार्जिंग नहीं है, तो 2 लाख के अमाउंट पर ऑल आई नीड टू डू इज टू अप्लाई द रेट विच इज ऑफ 10%, तो इनका इंटरेस्ट आ जाएगा, इनका कमीशन आ जाएगा 20,000 रुपीज़ का। एसएस कमीशन वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस देकर यहाँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10%, द वेरी लास्ट पॉइंट इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू कीप 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व, तो अभी पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, उसका जो 10% है वो हमें किसके लिए रखना है, रिजर्व के लिए रखना है, तो 2 जनरल रिजर्व, करेक्ट है। थर्ड वर्किंग नोट हमारा इधर प्रिपेयर कर लेते हैं,
कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व। ये क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2,45,750 प्लस 1,750, क्रेडिट की टोटल करके डेबिट की सारी टोटल माइनस करनी है। जस्ट पिछले कैलकुलेशन में हमने 2,45,750 प्लस 1,750 किया है और उसमें से डेबिट के दो फिगर्स 17,500 और 30,000 सब्रैक्ट ऑलरेडी कर रखा है, वो आ रहा था 2,00,000 रुपीज। यानी 245, यानी इसमें इसको प्लस करके इसको और इसको माइनस करते हैं तो 2,00,000 आता है ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस 2,00,000 में से 20,000 और निकाल देना है तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व में क्या हो जाएगा कि 1,80,000 रुपीज़ का जो है डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, 2,00,000 जो ऊपर कैलकुलेट किया था उसमें से मैं 20,000 का कमीशन और माइनस कर देता हूँ, कैलकुलेटेड एज अबव, और उसमें से 20,000 का जो एस का कमीशन है वो मैं सप्रैक्ट कर देता हूँ, तो 1,80,000 का आ गया। इस पे 10% क्वेश्चन ने कहा हुआ है तो 18,000 का रिजर्व हो जाएगा, वो मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 18,000 का रिजर्व, है ना। 1,80,000 आ रहा था सब कुछ करने के बाद, उसमें से 10% चार्ज किया तो जनरल रिजर्व आ गया। अब सब अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम भेज देंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम करेंगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से ही होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के वीडियो में मैंने समझाया था। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशनड है, जी नहीं, यानी ये प्रॉफिट इक्वली बट जाएगा अमित और सुमित में, पर सर बटेगा कितना वो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, 2,00,000 हमने पहले निकाला था, 2,00,000 में से 20,000 माइनस किया तो 180 आया, 180 का 10% निकाला 18,000, 180 में से 18,000 माइनस कर देते हैं बस, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,80,000 माइनस 18,000, दैट इज 1,62,000, और 1,62,000 को हमें इक्वली बांटना है यानी डिवाइडेड बाय 2, तो ए का शेयर आएगा 81,000 और एस का शेयर भी आ जाएगा 81,000। 1,62,000 इंटू 1/2 ए और एस दोनों के लिए ही, टोटल है दोनों ही साइड की 2,47,500, ये अभी हमने ऊपर करी थी इधर। तो ये बन गया हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको बनाने के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट भी देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करी एक छोटी सी कैलकुलेट, कमीशन का एडजस्टमेंट भी निकाला, एक कमीशन था ऑन सेल्स, दूसरा कमीशन था प्रॉफिट पर, और साथ ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी किया। क्वेश्चन के अंदर अब हमें प्रिपेयर करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो चलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बना लेता हूँ। तो आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मेथड जो हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारी मेंशन नहीं है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का अपना एक कॉलम, अमित सुमित, पर्टिकुलर्स अमित सुमित, ये हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना दिया। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बैलेंसेस हैं, ए का कैपिटल का बैलेंस है 2,00,000 रुपीज और एस की कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000, क्वेश्चन में मेंशन्ड था, मैंने उतार लिया। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रेफर करना है, जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वहाँ पे उनकी पोस्टिंग करते जाना है। ड्रॉइंग ऑन कैपिटल दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है क्वेश्चन के अंदर मेंशनड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था अमित का 10,000 और सुमित का आया था 7,500। देखिए ड्राइंग्स का अमाउंट दे तो रखा है हमने, ड्राइंग्स जो 40,000 और 30,000 उस पर कैलकुलेट किया टू ड्राइंग्स, तो अमित में 40,000 की ड्राइंग्स लिख देता हूँ, सुमित में 30,000 की ड्राइंग्स लिख देता हूँ, फिर इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना हमने निकाला है, 1,000 अमित का अमाउंट था और 750 सुमित का अमाउंट था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। इसके बाद हमें कमीशन देना है बाय कमीशन पार्टनर को मिलेगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। अमित का कमीशन बन के आ रहा था 30,000, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कमीशन लिख के दोनों को क्रेडिट कर दो। और सुमित का कमीशन जो वर्किंग नोट बना कर निकाला था 20,000, 2 लाख का 10%। जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जर्नल एंट्री डलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 जनरल रिजर्व, तो उसकी पार्टनर्स कैपिटल में कहीं पोस्टिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर और कोई एडजस्टमेंट आने लायक बचा नहीं है, तो ऑल वी नीड टू डू इज बैलेंस दिस कैपिटल अकाउंट एंड दिस क्वेश्चन वुड बी ओवर देन। खैर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डबल अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इसमें ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, ये आगे भी चलेगा। तो ए का बैलेंस निकाल रहा हूँ, डेबिट की टोटल आ रही, क्रेडिट की टोटल आ रही है 2,40,000, इसमें से 41,000 माइनस कर दिया तो 1,99,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, है ना। 2,40,000 माइनस 41,000, 1,99,000 ए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। सी की क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं, 1,77,500 में से 30,750 अब जब मैं सप्रैक्ट करूँगा तो एस का बैलेंस आ जाएगा 1,46,750, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। समझ में आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग सबके साथ शेयर करो, जिसको भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल सकता है, इस चैनल से बेनिफिट मिल सकता है, आप उनको शेयर करिए। भले ही वो इस चैनल पे एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस देखें, अकाउंटेंसी के दूसरे टॉपिक्स के वीडियो देखें या और कुछ देखना चाहें तो उनके ये चैनल आप शेयर करिए। वीडियो के बाजू में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वो दबा दीजिए अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो। अगर सब्सक्राइबर हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, इट्स बिकॉज ऑफ यू आई फील मोटिवेटेड टू क्रिएट वीडियोस एवरी डे अराउंड। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए और बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।